जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मुझे बताइएगा कि यहाँ कितने किलोवाट का सिस्टम आप लोगों ने लगाया है, और आई मीन ऑल ओवर द रूफ पैनल्स ही हमें नज़र आ रहे हैं इस घर में, तो सो अब आप काइंडली एलैबोरेट करें कि किस तरह से आपने ये सारा प्रोजेक्ट किया है फिनिश, और क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। ये 330 वॉट के कैनेडियन सोलर हैं, और इनके साथ हमने इन्वर्टर लगाए हैं क्राउन माइक्रो के, 10 किलो वॉट के दो पैरेलल इन्वर्टर्स हमने लगाए हैं, जिनके ऊपर हमने 25 किलो वॉट के पैनल्स लगाए हुए हैं। इसकी इन पैनल्स की वजह से इनकी तकरीबन कोई 100 प्लस यूनिट्स ये लोग डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करते हैं। इस सिस्टम में इन्होंने साथ में नेट मीटरिंग की हुई है, इनका ग्रीन मीटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये डेली बेसिस पे यूनिट्स प्रोड्यूस करके सरप्लस यूनिट्स को रिवर्स कर देते हैं, जिससे इनके बिल में मजीद बचत हो जाती है। अभी हम आपको इन्वर्टर्स भी दिखाएंगे, और इनके साथ जो है ना इनका बैटरी बैंक भी लगा हुआ है, नराडा के 2 वोल्ट 400 एम्पीयर के सेल्स लगे हुए हैं बैकअप के लिए। जी बिल्कुल, सो इट मींस के रात को भी ये अपनी जो इनकी सेव इलेक्ट्रिसिटी हुई होती है उसको ये यूटिलाइज करते रहते हैं, दिन में ये यूज करते हैं और सेव भी करते हैं, और जो एक्स्ट्रा होती है वो ग्रिड में फीड भी करते हैं। ग्रिड में फीड होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि मस्जिद में भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो ये है कि ऑल ओवर किसी भी जगह पे अब आजकल लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है इस चीज की, तो हर जगह पे कमर्शियल रेजिडेंशियल, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है पाकिस्तान में, उसी का मुकाबला करने के लिए हम लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं, जिसकी मदद से हम सोलर का मतलब बेसिकली ये है कि हम सूरज की रोशनी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। आपका अपने घर में एक इलेक्ट्रिक यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, जिसकी मदद से आप अपने घर में वापदा से बिजली नहीं ले रहे, आप अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इवन आप वापदा को बिजली बेच रहे हैं नेट मीटरिंग के थ्रू। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छत इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर इस छत के ऊपर आप ये पैनल लगाना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है, मगर हमने कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर कॉम्पैक्ट होने की सूरत में ये 96 पैनल्स हमने यहाँ पर लगाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका एंगल चेक कर सकते हैं, इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं और स्टिल इनके ऊपर धूप पड़ रही है, किसी एक पैनल पे भी आपको शेडो नज़र नहीं आएगा। Thank you.